दादागिरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे घर जबरदस्ती तोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही विष्णु जी का घर तोड़ा गया जो कि बहुत पुराने सालों से बसे हुए हैं। भाई जब रूम टूटा ना तो आपको देख के सब दुख हो गए। इतना पैसा कर घर बनाया अरे हमारे साथ में फैमिली भी ऐसा है कि अभी हम अभी किधर रहेगा। इसको हमको तो बहुत दुख होगा। ये देख के सब हमको बहुत हेड अटैक है। वो लोग वही टाइम मेरे को संजीवन हॉस्पिटल लोगों ने एडमिट किया। वो लोगों ने एडमिट किया, बाद में क्या हुआ हमको मालूम नहीं। हुआ सबके घर टूट गए तो आपको आपके घर का डर नहीं लगा रहता है? डर तो है ही हमेशा के लिए। जब तक भी पूरा वो एरिया खाली करके वो एंड वो नहीं लेता अपने हाथ में तब तक तो डर है ही। और दूसरा एक रूम था वो टूट गया पूरा। मेरा दो रूम टूट गए। दो रूम थे वो दूसरा वाला पूरा बुलडोजर घुमा के पूरा तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है बसे हुए हैं पिछले 70 साल से आदमी लोग यहाँ पे है। ये मेरा हमारा तीसरा पीढ़ी चल रहा है। 1960 से हमारे माता पिता यहाँ पे रहते हैं और फादर के नाम पे जो फोटो पास था गवर्नमेंट का उनके बाद में उनकी गुजरने के बाद ऑटोमेटिक मेरे नाम से होगा। लेकिन अभी इनके रिकॉर्ड में मुझे अपत्र दिखा है जबकि पूरे प्रूफ मेरे पास है। तो आप क्या चाहते हो? आप लोग को क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जो एस आर ए का स्कीम के मुताबिक जो उनके रूल्स है उसके हिसाब से हमें घर के बदले घर चाहिए। हम कुछ ज्यादा दूसरा डिमांड तो नहीं कर रहे। हमारा जो लड़ा है वो किसके लिए है? हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह रहने दो। हम सा लड़ा न्याय साथी, हम सा लड़ा न्याय साथी। आज मुंबई में गरीबों की ऐसी स्थिति आ गई है कि बिल्डर गो बैक बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ विष्णु जी का घर नहीं टूटा है, धीरे धीरे हर एक मुंबई गरीब का घर टूटेगा जिसमें मेरा घर भी जा सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस नंबर पे कॉल करके हम सबका घर बचाएं। नंबर है 2659051 या 2659045। खार रोड गोलीबार मुंबई से मैं जिले का सैयद इंडिया अनहर के।